वेलकम बैक, नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार। तो आइए दोस्तों, आज हो गया 29 जनवरी, दिन शुक्रवार। तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। आपको सबसे पहले बताएंगे बिहार में अगले 4 साल में 28 मेडिकल कॉलेज बनेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि बिहार पंचायत चुनाव में किस पद के लिए कितना देना होगा नामांकन शुल्क। लालू प्रसाद यादव की जमानत पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बिजली उपभोक्ता को लेकर क्या बड़ी खबर है। मिशन इंद्रधनुष के तहत बिहार के 9 जिलों में कब से होगा टीकाकरण। 29 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में किया गया विस्तार। जबरन रिटायरमेंट प्लान के खिलाफ उतरा पुलिस मेंस एसोसिएशन। साथ ही बड़ी खबर बताएंगे, आंगनबाड़ी सेविका और न्याय शिक्षा मित्र नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। राज्य में 1000 मालियों की होगी नियुक्ति, 25,000 से ज्यादा होगा मासिक वेतन। राज्य में ठंड को लेकर क्या अपडेट है। झुलसे मरीजों के लिए 13 करोड़ की लागत से पटना एम्स में बनेगी अलग बिल्डिंग। राज्य में मार्च तक सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगेंगे ट्रैकिंग सिस्टम। साथ ही आपको जानकारी देंगे सीबीएसई क्लास 10 और 12 का एग्जाम डेट कब सारी होगा। बड़ी खबर बताएंगे, एलजीबी के बाद एएमआईएम को लग सकता है बड़ा झटका। फिर आपको बड़ी खबर बताएंगे, भारत में बीते 7 दिनों से 140 जिलों में कोविड-19 का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ आप हमें ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आज की सबसे पहली खबर, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बोले बिहार में अगले 4 साल में 28 मेडिकल कॉलेज होंगे। जी हां, बिहार में अगले 4 साल में 28 मेडिकल कॉलेज होंगे। एनडीए की सरकार के शासन काल में राज्य का समग्र विकास हुआ है, अब निजी से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। ये बातें राज्य के स्वास्थ्य, पथ निर्माण, कला संस्कृति व युवा विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया के सभागार में कही है। अगली बड़ी खबर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जी हां, रांची में चारा घोटाला में सजा काट रहे और वर्तमान में दिल्ली एम्स में इलाजरत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लालू की तरफ से आधी सजा पूरी करने का शपथ पत्र हाईकोर्ट में दाखिल करने के बाद इस पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया था। 29 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध हो गया है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू ने जमानत मांगी है। अगली बड़ी खबर, राज्य में 1000 मालियों की होगी नियुक्ति, 25,000 से ज्यादा होगा मासिक वेतन। भवन निर्माण विभाग के उद्यान प्रमंडल पटना में इस साल करीब 1000 माली की बहाली होगी, इन्हें 25,000 से ज्यादा मासिक वेतन दिया जाएगा। समय समय पर इसमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। इन मालियों की तैनाती पटना के सभी सरकारी भवनों में होगी। पार्कों की देखभाल और हरे भरे क्षेत्रपाल की देखभाल करने की जिम्मेवारी इन पर होगी। राज्य सरकार ने पिछले दिनों विभिन्न विभागों और सरकारी दफ्तरों में रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत भवन निर्माण विभाग में पहले 44 आर्किटेक्ट की नियुक्ति का फैसला किया गया है। बता दें कि 2 साल पहले 20 नवंबर 2019 को राज्य कैबिनेट ने 1000 माले के स्थायी पद सृजित करने की मंजूरी दी थी। एडीएस डीलर लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और न्याय शिक्षा मित्रों पर रोक। जी हां, पीडीएस डीलर के लिए अच्छी खबर है, अब पीडीएस डीलर पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिनके अनुसार पीडीएस दुकानदारों के चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाएं पंचायत के अधीन मानदेय अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र समेत अन्य कर्मी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत पद स्थापित प्रतिनियुक्ति शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षक कर्मचारी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। साथ ही साथ कार्यरत होमगार्ड, सरकारी वकील, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक को भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है।
अगली बड़ी खबर जानिए किस पद के लिए देना होगा कितना नामांकन शुल्क। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 के तहत मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क के रूप में 1,000 रुपये जमा करना होगा, जबकि पंच व वार्ड सदस्य के लिए केवल मात्र 250 रुपये नामांकन शुल्क देना होगा। वहीं जिला परिषद सदस्य के लिए 2,000 रुपये नामांकन शुल्क देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वर्ष 2016 के पंचायत चुनाव में ये नामांकन शुल्क निर्धारित किए गए थे, जिसे पुनः संशोधित नहीं किया गया है। बिहार में बिजली बकायेदार 31 तक नहीं किया भुगतान तो नहीं मिलेगी किस्त में बिल जमा करने की सुविधा। जी हां, बिहार में बिजली बकायेदार के लिए किस्त में बिल जमा करने के लिए अब शेष 4 दिन है। बकायेदार अविलंब अपना बिल का भुगतान कर दे, नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। 31 जनवरी तक ही किस्त में बिल जमा करने की सुविधा मिलेगी, उसके बाद यह सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। 1 फरवरी से बकायेदार को एक मुक्त बिल का भुगतान करना होगा। अभी तक 3 किस्तों में बिल भुगतान करने की सुविधा दी गई है। पहले किस्त में बिल की राशि का 35% और बाकी 65% राशि दूसरी व तीसरी किस्तों में जमा करना होता है। बड़ी खबर, मिशन इंद्रधनुष के तहत 4 फरवरी से बिहार के इन 9 जिलों में बच्चों का होगा नियमित टीकाकरण। जी हां, बिहार के 9 जिलों में मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों का नियमित टीकाकरण अभियान शुरू होगा। भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर एवं सीवर में 8 फरवरी से नियमित टीकाकरण अभियान शुरू होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने इन जिलों में डीएम को मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत नियमित टीकाकरण शुरू करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, ओवैसी के 5 विधायकों ने नीतीश से की मुलाकात। एलजेपी के बाद एआईएमआई को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां, बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि एलजेपी के बाद जेडीयू एआईएमआई के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा सकती है। मुलाकात के बारे में बताया जा रहा है कि एआईएमआई के 4 विधायकों के साथ खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिलने के लिए सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे थे, जिसके बाद कई तरह के कयासे लगने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 5 विधायकों को मुलाकात कराने के लिए बिहार के संसदीय मंत्री और जेडीयू के सीनियर नेता विजय कुमार चौधरी सभी को लेकर सीएम आवास गए थे। भीषण शीतलहर की चपेट में बिहार, 1 दर्जन जिले कोल्ड डे अलर्ट के दायरे में। जनवरी के महीने में सर्दी ने बिहार को पूरी तरह से ठुठा रखा हुआ है। बिहार भीषण शीतलहर की चपेट में और राज्य के लगभग 12 जिलों के लिए कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया है। पटना समेत सुपौल, अररिया, सहरसा, किशनगंज, नालंदा, पूर्णिया, गया, शेखपुरा, बेगूसराय, नवादा और लखीसराय के लिए मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक वहां अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गया है। इन जिलों में कोल्ड डे वाली स्थिति बनी हुई है। पूरे बिहार के लोग कोहरे का सामना कर रहे हैं और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही सर्द हवाओं ने कनकनी बना रखी है। झुलसे मरीजों के लिए 13 करोड़ की लागत से पटना एम्स में बनेगा अलग बिल्डिंग, ये मिलेगी सुविधा। 1 वर्ष बाद पटना एम्स में गंभीर रूप से जल चुके मरीजों का भी इलाज शुरू हो जाएगा। यहाँ एनटीपीसी के सहयोग से 13 करोड़ की लागत से बर्न के मरीजों के लिए अलग बिल्डिंग बनाई जा रही है। इसका भूमि पूजन गुरुवार को हो गया है। बिल्डिंग 1 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगी। 2018 में ही इसको लेकर एनटीपीसी से एमओयू हुआ था। आपको बता दें कि इसे काफी पहले बनना शुरू होना था, लेकिन कोरोना काल शुरू होने के कारण इसमें विलंब हो गया। बिल्डिंग बनने के बाद पटना एम्स गंभीर रूप से जले मरीजों को भर्ती कराकर इलाज करने लगेगा, साथ ही यहां विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मिलने लगेगी। इससे गंभीर रूप से जले मरीजों के बेहतर इलाज के लिए दिल्ली या निजी अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में मार्च तक सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगेंगे ट्रैकिंग सिस्टम, विभाग ने शुरू की तैयारी। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार मार्च तक सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में व्हीकल ट्रैकिंग और इमरजेंसी बटन अनिवार्य रूप से लगाने को कहा है। यह निर्णय महिलाओं व आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए लिया गया, ताकि देर रात में भी उनके लिए सफर करना सुगम व सुरक्षित हो सके। निर्भया प्रेम
के तहत सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर 19 जनवरी को दोबारा बैठक हुई थी। इसमें सभी राज्य के परिवहन मंत्रियों ने अपनी सहमति जाहिर की है। CBSE क्लास 10 और 12th एग्जाम का डेट शीट 2 फरवरी को जारी होगा। जी हां, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड डेट शीट 2 फरवरी को जारी की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने CBSE के एक ट्वीट के हवाले से कहा है कि CBSE के 1000 से अधिक स्कूल प्रमुखों के साथ बातचीत करूंगा। इसमें जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रभावी भूमिका पर चर्चा करूंगा। बोर्ड ने कहा कि इस बात से शुरुआत करते हुए CBSE राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए देश में अपने 250 स्कूल के माध्यम से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा। जबरन रिटायरमेंट प्लान के खिलाफ उतरा पुलिस मेंस एसोसिएशन, नीतीश सरकार को चिताया। राज्य में 50 साल की उम्र सीमा पार कर चुके अक्षम सरकारी सेवकों को जबरन रिटायरमेंट दिए जाने को लेकर सरकार ने जो कवायद शुरू की है उसे लेकर विरोध शुरू हो गया है। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने सरकार के फैसले का न केवल विरोध किया है बल्कि यह चेतावनी भी दे डाली है कि अगर ऐसा फैसला किया है तो सरकार आंदोलन झेलने को तैयार रहे। बड़ी खबर, बिहार से गुजरने वाले 29 जोड़ी ट्रेनों की परिचालन अवधि में हुआ विस्तार। बिहार की राजधानी पटना सहित राज्य के अन्य इलाकों से होकर गुजरने वाले 29 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। पूर्व मध्य रेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी ट्रेन अब अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेगी। सभी गाड़ियों का ठहराव और समय पहले की तरह ही होगा। 29 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के सारे कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे और यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। अंत की बड़ी खबर, भारत में बीते 7 दिनों से 140 जिलों में कोविड-19 का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को बहुत हद तक रोक दिया है और देश के 140 जिलों में पिछले 7 दिनों में इसका एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके अलावा 18 जिलों में 14 दिनों से, 6 जिलों में 21 दिनों से और 21 जिलों में पिछले 28 दिनों से संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।